नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर गौतम। हरिद्वार में घूमो बाइक एंड स्कूटर रेंटल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। और कैमरे के पीछे है आज कैमरामैन बना हुआ है मयंक गौतम। तो नमस्कार, मैं हूं मयंक गौतम। मेरी आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक इनके पास है और मैडम के पास है। तो आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट की तरफ कि आज का मुद्दा क्या है। तो आज हमारे साथ है एक ऐसी लेडी राइडर जो गुजरात से आई है और अकेली इन्होंने जो है केदारनाथ राइड की है। केदारनाथ राइड करके बहुत ही गजब की बर्गमैन राइड करके आ गई है वापस हरिद्वार। और अब हम लेंगे इनका एक्सपीरियंस, इनका रिव्यू कैसा रहा पूरा का पूरा इनका टूर, और इन्होंने कितना मजा किया घूमो बाइक एंड स्कूटर रेंटल सर्विस हरिद्वार की स्कूटी को ले जाके अपने साथ। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ है मैडम चांदनी जी, मिस चांदनी पांडे जी। ये है जामनगर गुजरात से। जब ये फर्स्ट आई थी यहाँ पर तो इनका कोई प्लान नहीं था। तो मैडम, आपका प्लान कैसे बना केदारनाथ जाने का? कैसा सोचा आपने कि आप स्कूटी पे जाओगे? वैसे हम बजट बना कर आए थे, तो हमें बजट से ही चलना था। तो पहले हमने सोचा कि हम शेयरिंग टैक्सी में जाएं, फिर सोचा कि चलो हम प्राइवेट टैक्सी करें, तो बजट हाई जा रहा था। फिर हमने जुपिटर तो हायर की थी क्योंकि हमें लोकल ऐसे घूमना था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम बजट में जाते हैं, तो आई थिंक ये देखें तो हो जाएगा और हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो इसने मुझे थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस दिया। वैसे मेरी भाभी है, फ्रेंड भी है, तो क्या आइडिया अच्छा है, चलो कर लेते हैं। वैसे मेरे सोलो राइड का ड्रीम भी था, तो साथ में वो भी मुझे पूरा करना था। फिर दिल से सोच लिया, ठान लिया और बस आ गए केदारनाथ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतने विल पावर लेकर ये मैडम केदारनाथ राइड पे गई थी। तो मैं और हमारे जो व्यूअर्स है और जो लोग आने वाले हैं बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने के लिए, अभी तो केदारनाथ की यात्रा बंद हो गई है, अब मार्च 2023 या अप्रैल 2023 में दोबारा से मार्च में बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा खुलेंगी। जो व्यूअर्स आने वाले हैं जिनको बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करनी है, लोगों के लिए मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा कि हमारी जो आप बर्गमैन, ये मैडम बर्गमैन गाड़ी लेकर गई थी, बर्गमैन स्कूटी लेकर गई थी, गियरलेस सेक्शन में सबसे पावरफुल गाड़ी लेकर गई थी ये। और उस बाइक के साथ, उस स्कूटी, सॉरी उसको बाइक ही कहा जाता है क्योंकि बहुत पावरफुल गाड़ी है वो, हम लोग उसे बाइक ही बोलते हैं इसलिए मुंह से बाइक ही निकलता है। सो उस गाड़ी को ले जाके आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? गाड़ी का परफॉर्मेंस, गाड़ी का पिकअप, गाड़ी का माइलेज, गाड़ी का कंफर्ट, गाड़ी में स्पेस कितना है, ये सारी आपको किस प्रकार से, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के माइलेज की। मैडम, आपको माइलेज कैसा लगा? माइलेज की बात मैं करूँ ना, तो मैं दो दिन से ही बोल रही हूँ, वैसे तो मैं ले गई तब से बोल रही हूँ, माइलेज सुपर डुपर माइलेज देती है गाड़ी, और चलाने में पिकअप में भी एकदम बढ़िया है। वैसे मैं एक बात कहूँ ना, तो बर्गमैन मेरी फेवरेट गाड़ी है, मुझे वही खरीदनी थी। मेरे पास वैसे सुजुकी एक्सेस है, टीवीएस जुपिटर भी है मेरे सर, पर बर्गमैन मेरी फेवरेट गाड़ी थी। ठीक है, तो क्या मैं माइलेज के बारे में बताऊं तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने यहाँ से मैं फुल टंकी करवा के गई थी तेल की, फिर रास्ते में मैंने 3 बार ही पेट्रोल, वो भी की किस लिए कि आगे हमें अगर पेट्रोल पंप ना मिले तो। तो देखिए, सबसे बेहतरीन बात क्या होती है एक गाड़ी की, कि गाड़ी सस्ते में तो आपको कोई भी पकड़ा देता है, लेकिन यकीन मानिए गाड़ी की कंडीशन इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि गाड़ी आपको इतने ऊंचे पहाड़ों पर भी एक बेहतरीन माइलेज दे। तो मैडम ने जैसा बताया कि मैडम को माइलेज जो दिया है बाइक ने, जो स्कूटी ने जो माइलेज दिया है, वो 45 प्लस का माइलेज है। और बहुत ही बड़ी बात होती है इतना बढ़िया माइलेज देना पहाड़ों पर, और ये सब कुछ मेंटेनेंस करके ले। और हम लोग अपनी गाड़ियों में बहुत जानदार मेंटेनेंस करवा के रखते हैं ताकि हमारे राइडर को राइडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और साथ ही साथ उनको एक अच्छा माइलेज भी मिले। तो हम आगे बात करते हैं चांदनी मैम कि आपको जो गाड़ी ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो पिकअप था, जो मतलब आपको कहीं ऐसा लगा कि गाड़ी रुक जाएगी या कुछ होगा, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही चलाने में मजा आया। मैं इसको बोल रही थी, ये मुझे पूछ रही थी कि कुछ नई नई गाड़ी बहुत बढ़िया है, ऐसे पहाड़ों पे ऊपर लेकर गई, ना ही कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, किसी भी तरह से कोई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसा कि सबको पता ही है कि केदारनाथ बहुत ज्यादा हाइट पे है। हाँ। ठीक है, और एक एक एक, एक जगह आती है गुप्त काशी, और गुप्त काशी के बाद जो 25-30 किलोमीटर की जो राइड होती है वो हार्ड है, ज्यादा हार्ड होती है, टफ है। तो उस दौरान आपको बाइक ने किस प्रकार से सपोर्ट किया? बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत ही बढ़िया पिकअप तो एकदम बढ़िया है ही, सुपर्ब है, और मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जो लोग हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक एक छोटे शब्दों में आपका नाम, आप कहां से हैं और
घूमो बाइक एंड रेंटल सर्विस में आपको क्यों आना चाहिए? श्योर, गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन की होती है, कंडीशन टिप टॉप होती है, माइलेज भी सारी गाड़ी अच्छे देते हैं। वैसे मैंने पहले जुपिटर, तो जुपिटर भी बढ़िया थी, फिर मैं बर्गमैन लेकर केदारनाथ गई तो वो भी, तो क्या बोलूँ, वो एक तो फेवरेट गाड़ी, और सर्विस भी बहुत ही बढ़िया है, पिकअप अच्छी देती है, और सब भी गाड़ी तारीफ करूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गाड़ी के बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि उसने मुझे केदारनाथ तक पहुँचाया। चलिए, तो बहुत ही हमें खुशी हुई जब हमारे राइडर्स ऐसे 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 अच्छे फेस से, ऐसे खुशी वाले फेस से अपनी राइड कंप्लीट करके आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और कहीं ना कहीं यही हमारी अर्निंग है और यही हमारी जीत है। तो आप भी, अगर आपको भी इसी प्रकार की एक बेहतरीन राइड चाहिए, एक बेहतरीन और स्मूथ राइड चाहिए, तो उसके लिए आप हरिद्वार में घूमो बाइक एंड स्कूटर रेंटल सर्विस, हम दोनों जुड़वा भाइयों से संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, और साथ ही साथ हम आपको देंगे ऐसे टिप्स और ऐसे ट्रिक्स जो कि राइडिंग के दौरान आपका पैसा बचाएंगे और आपको एक स्मूथ राइड प्रोवाइड करेंगे। मैडम कुछ कह रही थी, सुनते हैं। कॉन्फिडेंस हो, आपको अपने खुद पर कॉन्फिडेंस हो, और आपकी ड्राइविंग भी बढ़िया हो ना, तो हिम्मत करके जाना चाहिए। और गर्ल्स की बात करूं, वैसे तो बॉयज़ गर्ल्स बर्गमैन लेके जाओ, जिसका बाइक का शौक है, जैसे कि इन्फिनिटी, राइट, बुलेट वगैरह है। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, तो मैं कहूँगी कि सुजुकी बर्गमैन लेकर जाओ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आया, अब भी ट्राई करो। तो दोस्तों, फिर जल्दी से बैग पैक कर लीजिए, अगले साल की तैयारी कर लीजिए 2023 में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा के लिए, और अभी दिसंबर में चौथा ओली की यात्रा के लिए। आप जब भी हरिद्वार आए, घूमो बाइक एंड स्कूटर रेंटल सर्विस से आप संपर्क कीजिए, हम दोनों जुड़वा भाई आप लोगों को देंगे इतनी बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी कि राइडिंग के दौरान आपको फील आएगा कि आप उत्तराखंड की वादियों में पंछियों की तरह घूम रहे हैं। तो मिलते हैं हरिद्वार घूमो बाइक में।